हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो Realme 8 सीरीज़ तो आपको पता ही है। वैसे स्मार्टफोन्स तो काफ़ी अच्छे निकल के आए थे इन लोग के, लेकिन इन्होंने जो है काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेशन ज़्यादा कर दी थी अपने स्मार्टफोन्स में। तो बजट में वैसे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे 8 सीरीज़, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में मार खा रहे थे। तो अभी जो है Realme 8 आई, ये जो स्मार्टफोन है वो पूरा लिस्ट होकर आ चुका है और देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये लॉन्च होने वाला है। इसका फर्स्ट लुक भी आपको दिखा दूंगा मैं, और काफ़ी दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो प्राइसिंग, लॉन्च डेट, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो एक नया प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से, और सबसे पहला यही स्मार्टफोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ में आने वाला है। तो ये जो प्रोसेसर होगा वो मीडियाटेक का हेलियो G96, तो बिल्कुल नया चिपसेट है, और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसमें आपको यही चिपसेट मिलेगा। मतलब एक गेमिंग का ही चिपसेट आप कह सकते हैं, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के मामले में देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन में, और आपको डे टू डे लाइफ में भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करेंगे तो 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा। तो गेमिंग आप बिल्कुल बढ़िया से कर पाएंगे स्मार्टफोन में। आपको सामने की तरफ पंचुअल सेल्फी भी मिलेगी, और जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, तो इमेज में आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, और पीछे की तरफ ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक आपको मिलेगा, और ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो अभी यही ट्रेंड चल रहा है 50 मेगापिक्सल का, हर कोई स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ही सेंसर दे रहा है, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी दे देते हैं। बाकी दो आपको 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस मिलेंगे। इसके अलावा ये 4GB रैम के साथ में आपको मिलेगा, और 128GB की स्टोरेज मिलेगी। UFS 2.2 स्टोरेज के साथ में आपको मिलेगा। पीछे की तरफ एक प्लास्टिक बैक होने वाला है, और 5000mAh की आपको बैटरी मिलेगी। शायद से फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलेगा, और USB टाइप सी पोर्ट के साथ में ये आने वाला है। मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस इसके लिस्ट होकर आ चुके हैं, कोई भी चीज़ें पीछे नहीं रह गई है स्पेसिफिकेशंस के मामले में। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको बजट में मिलेगा, मतलब 10,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और लॉन्च डेट की बात करें, मतलब पूरे स्पेसिफिकेशन लिस्ट होकर आ चुके हैं, तो स्मार्टफोन आपको सितंबर के महीने में इंडिया में कन्फर्म देखने को मिल जाएगा, या फिर दूर दूर तक नवंबर तक जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि सितंबर में मिल जाएगा। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं, काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है, ज़रूर से बताना क्या आपके विचार है, क्या आपको वीडियो में पसंद आया, या फिर कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता देना। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार दिखाते रहना। मैं आपको मिलता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो में। डेली नेक्स्ट वीडियो पर, बाय गाइस, टेक केयर।